वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल। आज भी लड़के का बर्थडे है, कैसा लग रहा है लड़के? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। दूसरा बर्थडे? पहला बर्थडे नहीं नहीं दूसरा है यार, यूके में आके दूसरा बर्थडे। यार फैमिली से दूर कैसा लग रहा है? यार फैमिली से दूर आपको पता ही है ब्रो, कहाँ रहा जाता है फैमिली के बिना, ना नहीं रहा जाता। ये तो है, लेकिन मेहनत करना है इंसान, मेहनत करके फैमिली को आगे लेके जाना है, और तो क्या करना है, और करने भी क्या आए हैं यहाँ पर। बर्थडे का मेन गोल भाई का यही है। तो अभी कहाँ जा रहे हो? बर्थडे का मेन गोल अभी कहाँ जा रहे हो सर? अभी कहाँ पर जा रहे हैं ब्रो यार? तो दोस्तों यहाँ चाहे बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो, काम पर जाना पड़ता है, आपके पास काम है। पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, है ना? ये बात सही है। पर मतलब अगर आप सोचो कि यार बर्थडे वाले दिन भी हम काम पे जा रहे हैं, या इंडिया में होते तो सेलिब्रेशन करते, दोस्तों के साथ घूमते नाचते चल मारते, लेकिन अभी यहाँ पे काम पे जाना, तो काम ही करना पड़ेगा ब्रो। यार यूके में ना ये सिस्टम होता है, तुम अटक जाते हो बाहर, हर जगह ये सिस्टम होता है, ना तुम वहाँ से निकल सकते ना तुम वहाँ से छूट सकते, कहीं भी नहीं कर सकते। वही तो बात है ना, रेंट भी देना है फिर। रेंट कैसे दोगे? बर्थडे केक का भी तो रेंट देना है। बर्थडे केक का भी रेंट होगा। ये बात भी सही है। कोई पार्टी वार्टी का प्लान सर? फिर आज पार्टी करेंगे भाई, आज कहाँ पे हमें तो पता नहीं कोई प्लान। कोई बात नहीं, आपका सरप्राइज है ना। चलो ये भी ठीक है, आप मुझे तो दिया नहीं सरप्राइज, मैंने आपको दे दिया। चलो दैट्स गुड। तो भाई का बर्थडे, और भाई कैसा लग रहा है? आपको 2 साल हो चुके हैं यूके में यार, आप स्पॉन्सरशिप पे हो भाई, वर्क वीजा पे है। कौन से मंथ में आए थे? ईयर में आए थे, अभी बताओ मंथ छोड़ो। 2022 मतलब 2 साल में अगर आपको वर्क वीजा मिल रहा है। मास्टर्स पे आए थे? मास्टर पे आया था यार, ये एक ही सबको राय है मेरी। हाँ राय दो, भी आना है मास्टर बना, बैचलर पे मत आओ, बैचलर पे मत, बहुत महंगी पड़ती है यार। फंसा हुआ है इसके? नहीं मैं फंसा हुआ नहीं हूँ, बट ठीक है यार बहुत महंगी पड़ती है, मतलब 50-60 लाख रुपए की आपकी बैचलर होगी। वही तो बात है ना, बैचलर पर कभी मत आओ, कभी मत आना। बैचलर हाँ, मास्टर्स पर आओ, 1 साल की मास्टर होगी, 3 साल 2 साल का मिलता ना, 2 साल का आपको PSW मिलेगा, और PSW इस बार बंद भी नहीं हो रहा। नहीं होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये बात। चलो इसी बात पे रोड क्रॉस करते हैं। थैंक यू आंटी। तो हमेशा आओ, लोग भी क्या सोच रहे होंगे व्लॉग बनाते बनाते रोड क्रॉस कर रहे हैं। यार मैं पता है बहुत दिनों से कोई व्लॉग ही डाला, काम के चक्कर में पढ़ाई के चक्कर में सब ऐसे मिस आउट हो रहा था। यो मैन, चलो कोई बात नहीं, देख लो गोरा भाई जा रहा है। चला गया, चला गया, ये अपना ही है बस, यूके ऐसे यूके होता है। इंडिया वालों को ऐसे होता है ना, गोरे का फोटो खिंचवाए गोरे, वो नहीं कुछ ही नहीं होते यहाँ के, गोरों को पंजाबी आती होती है। मेरे को ना गोरों को पंजाबी नहीं आती, वो मैं से पूछ रहा है, और किद्दा पाजी, मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है भाई, गोरों को पंजाबी बहुत आती, बहुत तगड़ी आती है, बहुत तगड़ी आती है। हाँ जी सर, आप मास्टर्स पे जाओ, उस पर कंटिन्यू करो। बैचलर में कभी मत आओ, बहुत महंगी पड़ती है यार, अपना कभी मत आना, कभी भी मत आना, ये बताएंगे बस आप। वापस चला जाऊँ मैं? नहीं नहीं यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? अभी तो आ गए, अब तो आ गए, सही बात है, अभी तो कर लोगे, इंटेलिजेंट बॉय हो यार, बस नजर नहीं लगानी। नहीं नजर नहीं लगा ला यार, उधर से क्रॉस करते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ ब्रदर यार, ये तो है। नहीं भैया भाई, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ 2 ही चीज हो सकती है, या तो आप पढ़ाई कर लो, या तो आप काम कर सकते हो। जो बैचलर पर आएगा उसके लिए, उसके लिए मास्टर्स पे क्या होता है, आपका 1 साल का ही होता है ज्यादातर, मेन आई थिंक एंड में आपकी डिसर्टेशन होती है बस, एंड क्लियर आपकी वहाँ से 1 साल की। तो फिर आपको सर अभी PSW पे वर्क वीजा पे हो गए, प्रॉपर प्रॉपर हो गया वर्क वीजा पे। चलो भाई को वर्क वीजा पे होके 5 साल बाद PR हो जाएंगे। यूके का रेजिडेंस मिल जाएगा, मिल जाएगा, आदि पासपोर्ट। तो मतलब कैसी रही आपकी जर्नी वैसे? यार बहुत बढ़िया रही, पहले तो स्ट्रगल था। अच्छा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है ना। किस तरह का स्ट्रगल? ऐसे लगा लो भी पहले काम नहीं मिल रहा था। हाँ, 1 मंथ के बाद मुझे काम मिला, और काम बहुत अच्छा मिला यार, भगवान की कृपा इतनी ज्यादा हुई ना। ये तो है, पर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो मैं आगे चला गया। हर इंसान की जिंदगी में एक बार ऐसा आता है जहाँ आपको बहुत डाउनफॉल होता है। ये हमारे कस्टमर है, ये हमारे कस्टमर है, हमें जानते हैं रोड पे। तो मतलब बस यही है, यहाँ पे जितने ज्यादा फ्रेंड्स बनाओ, कनेक्शन अपने बढ़ाते रहो, वही बेनिफिट देते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट देंगे। अगर एक बात बताओ, आप 2 साल में आपने कैसे सीखा कि मतलब कैसे जॉब मिल सकती है अगर नया स्टूडेंट आता है? माइंड करनी पड़ती है ब्रदर, और घर पे तो देखो जॉब नहीं मिलेगी ना। तुम्हें कैसे मिली थी, रेफरेंस से मिली थी या फिर बर्नो ऐसे ही बाहर घूमते रहो? मेरे तो भगवान की कृपा से रेफरेंस से मिल गई मुझे। तो मतलब यही होता है, अगर आपके पास रेफरेंस है, लोग आपको जानते हैं,
तो आपको जॉब मिलने के चांस बहुत बढ़ जाते। आपको भी रहता था यहाँ पे भाई बहन? नहीं कोई नहीं रहता था। तो रेफरेंस कैसे हुई आप? रेफरेंस जहाँ मैं रहता था ना घर में, रूममेट? नहीं नहीं, मेरा ओनर है जो ओनर। हाँ ऐसे लगा लो भी उसने, भगवान ने मेरे लिए भेज दिया वो। बस वो बोल रहा है बस मैं तेरे को जॉब लगानी ही लगानी है, जो मर्जी हो जाए तेरी, जो मैं लगाऊंगा। मतलब बंदे इतने अच्छे होते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे भाई। इतने अच्छा बंदा यार मैंने लाइफ में यहाँ पर कभी नहीं देखा। इंडिया में चलो होंगे, बहुत होंगे। हाँ, मैं नहीं कहते भी नहीं होंगे, होंगे। और यूके में वो बंदा बहुत जेन्युइन है, बहुत गुड है। यह बहुत ज्यादा, मैं तो यही कहता हूँ भगवान उनको लंबी उम्र दे यार। हाँ, सही बात है, बहुत लंबी उम्र दे जिसने मुझे काम पर लगवाया। सही बात है, वही एक आपका टर्निंग पॉइंट होता है लाइफ का, अगर आपको काम मिल गया। तो भाई का एक गोल भी था, कौन सा गोल था? आईफोन वाला गोल था क्योंकि अभी मैंने लिया आईफोन लिया ये देखो लिया, लेकिन शूट हम फिर भी एंड्रॉइड में करेंगे। हाँ शूट पर एंड्रॉइड में करेंगे। तो मतलब जब भाई इंडिया से यूके आ रहा था तो उनका एक गोल था कि हमको लेना आईफोन लेना ही लेना। तो सपना होगा मेरा कभी? मेरा कोई सपना था यार मेरा सपना, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता मैं आईफोन लूंगा। और यूके ने मुझे आईफोन दिया, बेस्ट लाइफ दी, ठीक है, बहुत बढ़िया लाइफ दी यार यूके। आपके लिए अच्छा रहा? यार बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा, मजेदार रहा, बहुत मजा। और अभी आप इंडिया का भी एक राउंड लगा के आए हो? एक इंडिया पे अभी मैं जाया है, हाँ एक बार इंडिया में जाया है अभी। तो आपको डिफरेंस पता चल गया? बहुत मैसिव, यह है बहुत ज्यादा। यही है बस भाई का स्ट्रगल लाइफ। सबसे ज्यादा डिफरेंस इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी है यार। इंडिया में गर्मी बहुत है, बहुत ज्यादा गर्मी है। कभी कहते हैं यूके में तीन चीजों पे कभी भरोसा मत करो, तीन डब्ल्यू। या तीन डब्ल्यू कौन कौन से डब्ल्यू बताओ? वेदर, वर्क, वर्क 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 एंड वर्क। हाँ वेदर, वुमेन एंड वर्क, वाइफ। तो मैं ना अपने पर लगा गया ये बात। ओ सॉरी। कोई कह सकता है भाई मुझसे 10 साल बड़ा है, बट मेंटेनेंस होती है, जिम जाता है लड़का। ओहो बॉडी नहीं दिखा रहा। नहीं नहीं नहीं, तो पता क्या है आप डर जाओगे ना। ओह माय गॉड, तभी मैं चल मैं जिप लगा लेता हूं अगर तुमको। नहीं 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 नहीं, लगा लेता हूं। जिप लगा लो, आप काम पे आने वाले हैं यार, बस पहुंचने वाले हैं हम। हां सही बात है, यहां यही होता है वेदर का, ऐसा ही है। अगर बादल आ गए समझ लो तो ठंड हो जाएगी, बादल हट गए तो धूप इतनी तेज है कि आपको गर्मी लगे। मैं आप कह सकते हो भी अगर बादल आएगा तो बारिश आएगी। हाँ यहाँ नहीं कह सकते, पर ऐसे नहीं कह सकते बादल आएगा तो बारिश। लोग अपना बदिया मुझे बहुत पता क्या है? क्या है? मुझे बहुत इंटरेस्ट है यार इन चीजों में। ये मैं कह रहा हूँ रोज बनाते हैं, बनाएंगे यार। कुछ ना कुछ ना डालना ही है। अभी देखो हम सुबह जा रहे हैं काम पे, ठीक है, सुबह हम बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है, मजेदार है। आपको रात का व्यू बताएंगे कैसा होता है। सही बात है भैया, रात थक के आते ना यहाँ पे, जब तक आपको काम। अच्छा एक बात, आपको कैसे फील होता है कि जब तक काम नहीं मिलता कि काम मिल जाए, और जब मिल जाता आपको कैसा लगता है कि छुट्टी मिल जाए? ओ, फिर ऐसी होता है अगर इंसान इतना थक रहा होता है घूमने को मिल जाए पर छुट्टी नहीं मिलेगी आपको। छुट्टी मतलब ही नहीं मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिलेगी। पहले तो मुझे जहाँ मैं पहले काम करता था, चलो वही ओनर तो सेम है ना। हाँ जब मैं पहले काम करता था वहाँ, चलो मुझे एक छुट्टी मिल जाती, यहाँ नहीं मिलती। यहाँ मुझे लग रहा है मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। तो मतलब आप सोच लो 30 दिन महीने का लगातार काम करने में, 12-12 घंटे की शिफ्टें, 12-12 घंटे और NI पे तो भूल जाओ आप। NI पे कोई काम नहीं होता यहाँ पे। सही बात है, सही हकीकत में बताऊँ NI पे कोई काम नहीं होता, ये बस एक दिखावा है कि आपको नेशनल इंश्योरेंस पे मिलेगी। कुछ नहीं, सही बात, 11 घंटे पर आर मिलेंगे वो सोचने में ही होता है, कभी नहीं मिलते, कोई जॉब वाला नहीं देगा आपको। बहुत ही आपकी रेफरेंस है तो आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, लेकिन यार उसमें भी NI पे बहुत कम देते हैं। NI पे तो पता ही है ब्रदर, वो तुम्हारी एज करके कुछ कम कर देंगे, कुछ ना कुछ करके तुम्हारा कम ही कर देंगे। देखो डीमोटिवेट नहीं कर रहे। हाँ 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 हाँ, तुम आओ रेफरेंस बढ़ाओ। हमें जितनी मुश्किल से मिली है आपको ही मिल जाएंगे, आपको जल्दी से दिलाएंगे वो। बस डाल देंगे 3-4 जॉब, आप नीचे इंस्टाग्राम का आ रहा होगा उस पर फॉलो कर लेना, मैसेज कर लेना, कोई भी जॉब होगी कोई भी वैकेंसी होगी आपको बता देंगे। बाकी वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। बड़े दिनों बाद डाला यार मैंने ब्लॉग, वो भी भाई का बर्थडे था। भाई हमारे साथ नया शिफ्ट हुआ है। सनी भाई हमारे, थैंक यू ब्रो, थैंक यू यार, वंस अगेन विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मजेदार, तो बस ये अच्छा लगता है जब हमारे लिए पूरा ट्रक खड़ा हो यहाँ पे। ये अच्छा, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हो तो सारी गाड़ी रुकी होंगी, कुछ नहीं फर्क पड़ता चाहे रेड लाइट हो चाहे ग्रीन लाइट हो, लाइट तो है ही नहीं।
और हमारा काम आ गया। बस चलो सीधा ब्लॉग को एंड करते हैं, और आपको नए नए ब्लॉग के लिए मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, अभी मिलेंगे, मैं रात को डालेंगे यार, रात को डालेंगे यार। हाँ रात का व्यू, सुबह का व्यू आपने देख लिया, रात का व्यू देखेंगे। चलो ओके दोस्तों, इसी बात पे बाय बाय।